नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। राजधानी दिल्ली के एक नोट प्लेस आज सुबह भीषण आग लग गई है और आग लगने की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की 13 गाड़ियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। हादसे में किसी के हताहत होने की अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है। तो आपको बता दें, दिल्ली से खबर है, जहां पर बता दें आपको किन्नौर प्लेस में ये भीषण आग लगने की घटना सामने आई है, जहां पर कई दमकल की गाड़ियां सुबह से ही मौजूद थी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद अब आग पर काबू पा लिया गया है। रायबरेली जिला कारागार में बंद बंदी के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। दरअसल मामला जिला कारागार रायबरेली का है, जहां पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार इजाज उर्फ राहुल उर्फ जावेद निवासी शाहपुर थाना हथगांव जनपद फतेहपुर की इलाज के दौरान मौत हो गई है। उक्त आरोपी 4 अप्रैल पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ था, जिसके पैर में गोली लगी थी और गोली लगने के बाद उसे इलाज के लिए पुलिस अभिरक्षा में लखनऊ में KGMU ट्रामा सेंटर भेजा गया, जहां उसका एक पैर काटा गया था। KGMU सेल आज के बाद 26 मई 2022 को उसे जिला कारागार रायबरेली में लाया गया और कब से कारागार के अंदर मौजूद अस्पताल में आरोपी इलाज चल रहा था और जहां उसकी मौत हो गई, वहीं पुलिस ने मृतक इजाज के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रायबरेली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में कैदी की मौत का मामला सामने आया है। मुठभेड़ के दौरान ये गिरफ्तारी हुई थी। बता दें आपको कि संदिग्ध परिस्थितियों में अब कैदी की मौत भी हो गई है। तो आपको बता दें कि जावेद उर्फ निवासी शाहपुर थाना हथगांव जनपद फतेहपुर की इजाज के दौरान ही बताया जा रहा है, इलाज के दौरान ही मौत हुई थी। उक्त आरोपी 4 अप्रैल पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ था और जिसके पैर में गोली लगी थी। गोली लगने के ही उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। KGMU ट्रामा सेंटर भी भेजा गया, जहां उसका एक पैर भी काट दिया गया था और KGMU सेल आज के बाद 26 मई 2022 को उसे जिला कारागार रायबरेली में लाया गया और कब से कारागार के अंदर मौजूद अस्पताल में आरोपी इजाज का ही इलाज चल रहा था और जहां उसकी मौत हो गई है। ललितपुर में चेन स्नैचिंग की घटनाएं होने लगी है। दरअसल 12 जनवरी को इलाइट चौराहे पर पल्सर बाइक से आए दो बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया था। लगभग 60 साल के बुजुर्ग को अपना शिकार बनाया था और लगभग 2.5 तोला सोना लूटा था। लुटेरे ने अपने आप को क्राइम ब्रांच का बताकर 12 जनवरी को शाम को ही बताया जा रहा है 6 बजे लगभग घटना को अंजाम दिया था। तो ललितपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर लुटेरों का आतंक साफ तौर पर दिखाई देने को मिल रहा है। शहर में बढ़ रही है चैन से स्नैचिंग की घटनाएं, लगातार बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर भी आ रही है। ललितपुर के नाराहट के ककरौआ और महरोनी के कुआं घोषी निवासी दो आपराधिक बताए जा रहे हैं। पर्वती के ही दबंगों का अवैध असलाह के साथ फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें अवैध हथियारों का कारोबार खूब फल फूलता भी नजर आ रहा है और ग्राम ककरौआ का मानक अहरवार और ग्राम कुआं घोषी का दूसरा आरोपी बताया जा रहा है। नाराहट थाना अंतर्गत ग्राम ककरौआ के निवासी मानक तन्य भागीरथ अहिरवार का एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे उक्त व्यक्ति देसी कट्टा लेकर प्रदर्शन कर रहा है। तो वहीं दूसरा आरोपी महरोनी थाना अंतर्गत कुआ घोषी का बताया जा रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो इन दोनों में से एक आरोपी को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में भी ले लिया है, वहीं दूसरा आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से फरार चल रहा है।
झांसी से एक ऐसी अजीबोगरीब प्रेम कहानी सामने आई है जो आपको हिला कर रख देगी। जी हाँ, कहानी झांसी की है, जब दो एक साथ रहने वाली लड़कियों को आपस में ही एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। इन दोनों में से एक लड़की को इतनी भावुक हो जाती है कि अपनी सहेली को अपनी जान से ज़्यादा चाहने लगती है। लेकिन आखिर दो लड़कियों का प्यार का अंजाम क्या हो सकता था? इस प्रेम कहानी में एक लड़की ने समझदारी दिखाते हुए कहा कि साथ रहने के लिए हम दोनों में एक का पुरुष होना आवश्यक है। अगर तुम मेरे साथ जीवन बिताना चाहती हो तो तुम्हें मेरे लिए लड़का बनना पड़ेगा। पहली लड़की प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि उसने बिना कुछ सोचे समझे अपना जेंडर चेंज कराने का मन बना लिया। फिर नए तकनीकी वाले युग में अपनी जान को जोखिम में डालकर वो अपना ऑपरेशन कराने पहुंच गई और इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें लड़की और दूसरी युवती के मामले को कोर्ट ने सुना। हथियारों से लैस गाड़ियों में सवार होकर आए दबंगों ने शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खजूरी में दहशत फैला दी है। ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए दबंगों ने एक व्यक्ति के साथ लाठी डंडे लोहे की रोड से जमकर मारपीट कर दी है और जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसकी सूचना लगते ही मौके पर पहुंची शाहजहांपुर पुलिस द्वारा उसे अपनी गाड़ी में मोड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और जहां उसकी हालत नाजुक होने पर उसे जिला अस्पताल झांसी रेफर कर दिया गया। तो झांसी से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर गोलियां ताबड़तोड़ चली हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट से ही पूरा इलाका गूंज उठा है। बताया जा रहा है कि इसमें एक की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत नाजुक होने पर उसे जिला अस्पताल झांसी भी रेफर कर दिया गया है। मऊ रानीपुर कोतवाली के अंतर्गत आने वाले रास पहाड़िया गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक मोटरसाइकिल अचानक धूं धूं कर लोगों के जलती हुई दिखाई दी है। जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल पर एक युवक और एक महिला सवार थी और वहीं लोगों के अनुसार बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ, तो वहीं मोटरसाइकिल पर सवार युवक के द्वारा आनन फानन में मोटरसाइकिल में आग लगा दी गई। आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते उसके पहले ही मोटरसाइकिल धू धू करके जलने लगी। तो वहीं आग लगाने वाला शख्स बताया जा रहा है उसके साथ महिला दोनों किसी दूसरे वाहन में सवार होकर वहां से भाग निकले और लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उक्त व्यक्ति के द्वारा गाड़ी में आग क्यों लगाई गई है। मोटरसाइकिल पर सवार महिला और पुरुष पति पत्नी थे और या भाई बहन या कोई रिश्तेदार, ये कहा नहीं जा सकता। बहराइच में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त ने प्रेस वार्ता की है और पत्रकारों से आरटीआई को लेकर कहा कि किसी भी आरटीआई पर उस विभाग को 30 दिन के भीतर जवाब देना चाहिए। अगर वो आरटीआई का जवाब नहीं देता है तो इसका अर्थ है कि वो सूचना छिपाना चाहता है। तो वहीं कहा कि जो अधिक आरटीआई मांग कर रहा है वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। पीलीभीत में एक स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्रों का एक चोटी में देखकर ही छात्रा के बाल काट दिए और छात्रा के परिजनों ने थाने में इस संबंध में तहरीर दी है। साथ ही प्रिंसिपल पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। पीलीभीत के बिसलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक स्कूल की ये पूरी कहानी बताई जा रही है। दसवीं की छात्रा के परिजनों का आरोप है कि शुक्रवार को छात्रा स्कूल गई थी और इस दौरान ही स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्रा को एक चोटी में देख लिया और आरोप है कि इससे गुस्साई प्रिंसिपल ने छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उसके बाल काट दिए और इस घटना के बाद छात्रा रोती हुई घर पहुंची और परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी। परिजनों ने छात्रा को थाने ले गए और थाने में छात्रा के परिजनों की ओर से तहरीर दी गई और साथ ही प्रिंसिपल पर कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
और ये जनपद के ही कुदरकोट थाना क्षेत्र के गोपियापुर में कच्ची दीवार गिरने से मलबे में परिवार दब गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और ग्रामीणों और पुलिस की मदद से दीवार गिरने से मलबे में दबे हुए लोगों को निकालकर एम्बुलेंस की मदद से CHC विधुना भेजा गया है। CHC विधुना में डॉक्टरों ने पति पत्नी और बच्चे को मृत घोषित कर दिया है, वहीं बाकी घायल बच्चों को सिफई रेफर किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी औरैया PC श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम मौके पर पहुंचे और जिलाधिकारी औरैया ने ही परिवार को आर्थिक सहायता दिलाए जाने का आश्वासन दिया है। ललितपुर में सरकारी भूमि पर कब्जा किए माफियाओं पर योगी सरकार का बुलडोजर चला है। अवैध कब्जाधारियों में अब हड़कंप मच गया है। ललितपुर जिले में भी तहसील पाली अंतर्गत ग्राम बाला बेहट में गोचर की सरकारी भूमि पर बने अवैध निर्माणों को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त किया गया है। वहीं कब्जाधारी लोग अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते रहे और आरोप भी लगाया गया कि बिना नोटिस दिए हमारे मकान तोड़ दिए गए। पीड़ितों ने यह भी बताया है कि हमारा मामला कोर्ट में विचाराधीन है और वहीं मौके पर पहुंचे अधिकारियों की माने तो इनको कई बार आगाह किया गया है, ये भूमि गोचर की है और इस भूमि को खाली करना ही पड़ेगा। तो ललितपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर माफियाओं पर योगी सरकार का बुलडोजर चला है। बताया जा रहा है कि अवैध कब्जाधारियों में अब हड़कंप मच गया है और इसके साथ ही उन्हें ये भी जानकारी दी गई थी कि इस जमीन को खाली करना ही होगा, ये गोचर की जमीन है, लेकिन फिर भी ये अवैध कब्जा करके लोग रह रहे थे, जिसके बाद अब योगी सरकार का बुलडोजर चला है। तो RTI प्रवर्तन के ही चालक को चोर समझकर जमकर हंगामा हुआ है। बता दें आपको कि स्थानीय लोगों के बीच बचाव करने के बाद लोगों ने चालक को छोड़ा। आपको बताते चले कि पूरा मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के गांधी चौराहे का है, जहां RTO प्रवर्तन के चालक को उस समय मुसीबत का सामना करना पड़ा जब लोगों ने उसे चोर उचक्का समझकर घेर लिया और उसके साथ गाली गलौज करने लगे। हालांकि उसके द्वारा जब अपने को RTO प्रवर्तन का चालक बताया गया तो लोगों ने उसे जाने दिया। तो रायबरेली से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर लोगों का साफ तौर पर हंगामा देखने को मिल रहा है। बता दें आपको कि गलत फहमी की वजह से बताया जा रहा है कि यह हंगामा हुआ है। RTO प्रवर्तन को लोगों ने चोर समझा, जिसके बाद पिटाई का भी मामला सामने आया। वहां पर लोग इकट्ठा हो गए और इसी के साथ ही समझाइश के बाद ही ये पूरा मामला खुलकर सामने आया, जिसमें सब कुछ साफ हो गया। मऊ रानीपुर अवैध शराब की बिक्री करने वालों पर प्रतिदिन पुलिस कार्रवाई करती रहती है, इसके बावजूद भी सुख नदी के बताया जा रहा है नई नदी किनारे ही अवैध शराब की बिक्री होती रहती है। हैरान करने वाली बात यह है कि अभी तक ये कच्ची शराब पुरुष पिया करते थे और ज्यादा पीने के बाद सड़क पर झूमते हुए देखे जाते थे, लेकिन आज तो हद तब हो गई। 5 बच्चों की माँ कच्ची शराब पीकर नदी किनारे सड़क पर डली हुई मिली है। सूचना पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और तिपहिया वाहन मंगा कर ही उसको घर पहुंचाया। बताया गया है कि उक्त महिला उड़ीसा की रहने वाली है, पति की मौत हो गई है और उसके 5 बच्चे हैं। तो झांसी से आपको खबर बता रहे हैं, मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि जिसके बाद महिला 5 बच्चों की जो माँ थी वो शराब पीकर सड़क पे पड़ी हुई थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा उसे घर पहुंचाया गया है। राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह के आह्वान पर आज पीलीभीत के जिला प्रभारी हिलाल अहमद की अगुवाई में नगर और गांव में जाकर किसानों के गन्ना लाभकारी मूल्य और छुट्टा आवारा पशुओं के संबंध में सैकड़ों किसानों ने UP CM को पत्रों के माध्यम से अवगत कराया कि आज यूपी का किसान
रात दिन अपनी फसलों की रखवाली कर रहा है और आवारा पशु उनकी तैयार फसल को चर जाते हैं, जिससे किसान बहुत परेशान है। भाजपा सरकार ने चुनाव के समय किसानों से उनके गन्ने का मूल्य बढ़ाने का वायदा किया था, लेकिन वो पूरा नहीं किया है और साथ ही किसानों को गन्ने का समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे आज किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। और जिले के किसानों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से पत्रों के माध्यम से दुखी मन से मांग की है कि उनकी समस्या का कुछ समाधान किया जाए, नहीं तो किसान भूखा मर जाएगा और देश में भुखमरी फैलने में कोई देरी नहीं लगेगी। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के निर्देश पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो किसानों की समस्या है उसको लेकर आज राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता गांव-गांव कस्बे-कस्बे जाकर अपने लोग किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसलिए कि जो पिछली चुनाव में सरकार द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा चुनाव में वादा किया था कि अगर दोबारा हमारी सरकार आई तो गन्ने का मूल हम 50 से 100 रुपये क्विंटल तक वृद्धि करेंगे, अपने वादे से सरकार मुकर रही है। और जो आज किसानों की समस्या इतनी बदतर हो चुकी है, आवारा पशुओं द्वारा ये सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, अगर इसी तरीके से रायबरेली में लालगंज कोतवाली क्षेत्र के रघुनाथगंज गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब जुबेर खान के घर पर शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आसपास के लोग दौड़े और किसी तरह से लाइन को ही काटा गया, विद्युत लाइन को काटा गया और घर के अंदर रखे सिलेंडरों को भी समय रहते घर के बाहर फेंक दिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया है। बता दें आपको कि शॉर्ट सर्किट से ही घर के अंदर रखा हजारों का सामान जलकर खाक हो गया है। वहीं सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। खबर बागपत से है। गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर पैरोल मिल गई है। पैरोल 40 दिनों के लिए दिया गया है और यह भी नियम अनुसार है। डेरा प्रमुख राम रहीम को आखिरी 40 दिन की पैरोल पिछले साल 25 नवंबर को ख़त्म हो गई थी और तब वो 14 अक्टूबर को रिहा होने के बाद उत्तर प्रदेश में बनरावा गांव के ही जंगल में बने आश्रम में 40 दिनों का समय बिताया था। और एक बार फिर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की पैरोल दे दी गई है, जिसके बाद सुरक्षा के बीच राम रहीम बनरावा आश्रम में ही अंदर पहुंच गए हैं। और बता दें आपको कि 3 महीने पहले गुरमीत राम रहीम को अंतिम बार पैरोल मिली थी और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम अपनी 2 शिष्यों के साथ ही रेप के आरोप में सुनारिया जेल में ही 20 साल की सजा काट रहा है। और पिछले पैरोल के दौरान ही बनरावा आश्रम में ही गुरमीत राम रहीम के कई ऑनलाइन सत्संग आयोजित किए गए थे, जिसमें हरियाणा के कुछ नेता भी शामिल हुए थे। बहरहाल एक बार फिर से रेप के आरोप में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की पैरोल दे दी गई है। पीलीभीत की सदर कोतवाली में चल रहे समाधान दिवस में पहुंचे बुजुर्ग इकरार और अन्य 4-5 लोगों ने डीएम के सामने अपनी फरियाद रखी है, जिसमें कहा गया है कि चंदोई क्षेत्र के रहने वाले सुभाष और मुकुट बिहारी ने अवैध कब्जा करके ही अपने दीवार खड़ी कर ली है और डीएम ने ऑन द स्पॉट फैसला करते हुए पूरी राजस्व की टीम को मौके पर भेजा और साथ ही उनके साथ एक बुलडोजर भी मौके पर भेजा। राजस्व टीम ने जाँच में शिकायत सही पाई और उसने इस बात की जानकारी डीएम परवीन कुमार लक्षकार को और डीएम ने फौरन ही उस जमीन पर बुलडोजर चलवाकर अवैध कब्जे को मुक्त करा लिया। फैसला ऑन द स्पॉट होने पर ही जहां भू माफियाओं में खौफ देखा जा रहा है, वहीं स्थानीय लोग डीएम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए थक नहीं रहे हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति आए थे जिनकी शिकायत थी कि रास्ते पे अवैध कब्जा कर लिया गया है और उसके कारण उनका रास्ते आने जाने में दिक्कत होती है, तो हमारे द्वारा मौके पे टीम भेजी गई और अभी सूचना मिली है कि उनके द्वारा वो अवैध निर्माण हटवा दिया गया है और समस्या का निस्तारण करा दिया गया है।
इंटरमीडिएट कॉलेज बासी के छात्रों के एक गुट ने शनिवार को विद्यालय गेट पर एक छात्र की जमकर धुनाई की है। ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी घटना यहाँ आम बात हो गई है। कॉलेज का अनुशासन शून्य हो चुका है, यहाँ आए दिन विवाद होते हैं और गत दिवस विद्यालय के एक कर्मचारी के साथ छात्रों ने अभद्रता की थी और इस विद्यालय में छात्र के साथ छात्राएं भी पढ़ती हैं, क्योंकि बासी में बालिकाओं के लिए कोई बालिका विद्यालय नहीं है और ऐसे में माहौल में अभिभावक अपनी लड़कियों को कॉलेज पर पत्थर रख कर मजबूरन ही कॉलेज पहुँचाते हैं। अफजलगढ़ क्षेत्र के ही डूडा कॉलोनी निवासी अफसार और जिनत दोनों पति पत्नी रिश्तेदार के यहाँ देहरादून जा रहे थे। जैसे वो हरिद्वार पहुंचे तो एक कैंटर ने ही पीछे से उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और जिससे दोनों पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने दोनों की मौत की सूचना उनके परिजनों को दी और दोनों शवों को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। जैसे ही दोनों के शव परिजन अफजलगढ़ लेकर पहुंचे, मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है। क्या नाम है आपका? क्या मामला हुआ है? मामला ये नजीबाबाद से जा रहे थे, फिर मेरे पास देहरादून, इन्होंने हर चंडी का पुल पार किया जो शिव की मूर्ति पड़ती है ना हर की पहाड़ी के पास, वहाँ पे पीछे से DSMI उनको ठोका और ठोकने के बाद वो आगे चल के चली गई और उसको आगे चल के भानिया वाले में पकड़ लिया गया। कैमरे उमरे लगे हुए थे, दरोगा साहब से मेरी बातचीत हुई, इंस्पेक्टर से ही बातचीत हुई मेरे हरिद्वार में अस्पताल के पास, जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर कोतवाली है हरिद्वार में, उनसे इंस्पेक्टर से ही बात हुई, मैडम से और जी दरोगा जी से भी बातचीत हुई, बोले कि गाड़ी के मालिक से हमारी बातचीत हुई है, आपके बारे में सोचेंगे, आपके साथ कार्रवाई अच्छी की जाएगी, आपके साथ इंसाफ होगा। तो एक्सीडेंट में क्या हुआ? एक्सीडेंट फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।